खबर बक्सवाहा से है, जहां एक वर्ष पहले बनाई गई प्रधानमंत्री सड़क पूर्णतः गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसकी शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ठेकेदार ने सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि एक वर्ष पहले बक्सवाहा से सुनहरा और सुनहरा से चाची सेमरा तक 2 करोड़ 55 लाख से अधिक की लागत से नवीन सड़क का निर्माण किया गया था, जिसको बुंदेलखंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने 8 टन भार की क्षमता के साथ बनाया था। लेकिन सड़क से 40 टन तक माल लेकर हैवी वाहन गुजरने के कारण सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण जनता और ठेकेदार को भुगतना पड़ रहा है। वहीं सड़क की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। हम इसका कारण ये मानते हैं कि हमारे ठेकेदार द्वारा ये रोड पहले भी कराया गया था और वो सही होने के कारण क्या है, बरसात में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक, यहाँ कम से कम लगभग 60 टन के लिए वाहन निकल जाते हैं। वाहन यहाँ से वो हैवी वाहन यहाँ से JKS सीमेंट की फैक्ट्री बन रही है अमानीगंज, वहाँ जाते हैं यहाँ के क्रेशरों से। तो सबसे पहला तो मेरा ये है कि क्रेशरों वालों से भी ये अनुरोध है कि आपको हैवी रोड मिला है तो आप हैवी रोड से निकलें। वो क्या है, यहाँ से बैरियर ना होने के कारण इस रूट से निकलते हैं। हमारा ये मानना है सर कि रोड तो ठीक ठाक बनी थी, लेकिन ओवर लोड वाली ट्राला निकली, वो बरसात भी इस साल ज़्यादा भई है कछु, इस कारण से रोड क्षतिग्रस्त भाव है। हालांकि जी सर, जिला निशासन प्रशासन या फिर ग्राम पंचायतें, 2-3 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, चल के जी कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठेकेदार ने तो अच्छा रोड बनवा दो, लेकिन चिराला कड़ी बड़े बड़े ठीक के कारण रोड मिल गया, अब फिर खराब हो गया तो ठेकेदार की क्या गलती। आपके द्वारा कोई लेटर लिखा गया शासन के लिए यहाँ हैवी वाहन ना निकलने के लिए? अब नहीं लिखा गया। ये रोड सुनहरा से चचई सेमरा के लिए 8 किलोमीटर की रोड बनी है। इस रोड की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कैपेसिटी जो है भार की वो 8 टन की है, लेकिन इस रोड के ऊपर 40-50-60 टन के बड़े बड़े ट्रोला निकले हैं। बारिश में निकलने से इस वजह से रोड क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि पहले जनवरी फरवरी 2022 में रोड कंप्लीट हो गई थी, बिल्कुल सही जो मानक इस तरह PMJSY के उनके आधार पे रोड बनी थी। लेकिन जो 8 टन की कैपेसिटी है उसके ऊपर 50-60 टन का ट्रैफिक निकलेगा, स्वाभाविक है कि रोड क्षतिग्रस्त होगी उस वजह।